हेलो स्टूडेंट्स, क्रैक ग्रेड बी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे आरबीआई ग्रेड बी के इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स 2.0। नीति आयोग ने रिलीज किया है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, जो लोग आरबीआई ग्रेड बी से भी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीति आयोग की वेबसाइट बहुत ही इम्पोर्टेंट रहती है। इसमें हमने हर रिपोर्ट को कवर करना है जो पिछले एक साल में रिलीज़ की गई है। कोई भी प्रेस रिलीज है नीति आयोग से रिलेटेड, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आरबीआई ग्रेड बी की बात करें या हम सेबी ग्रेड ए की बात करें, तो आज हम डिस्कस करेंगे कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स 2.0। अब तक की हमारी परफॉर्मेंस की बात करें तो हर एक एग्ज़ाम में हमने स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया है उसमें 80-85% क्वेश्चन आए हैं। रिसेंटली नाबार्ड का परफॉर्मेंस हमने शेयर किया था, हमने प्रूफ भी शेयर किया था जिस टॉपिक से हमारे क्वेश्चन कवर किए गए थे, 80% ESI में और 70% एग्रीकल्चर से रिलेटेड पार्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो हमारे स्टडी मटेरियल में कवर हुए थे। और ये सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है, मतलब जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं उनकी अगर हम उनसे कंपेयर करें तो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस हमारा ही था। नाबार्ड की बात करें या पिछले साल जो एग्ज़ाम हुए हैं सेबी ग्रेड ए आरबीआई ग्रेड बी, ये हमारे कोर्सेज हैं आरबीआई ग्रेड बी, सेबी ग्रेड ए, आईआरडी असिस्टेंट मैनेजर, नाबार्ड ग्रेड ए एंड बी, एफएसएसआई के टेक्निकल ऑफिसर और सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर। हमारी साइट www.crackgradeb.com पे आप रजिस्टर करके परचेज कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स 2.0। 2.0 नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि फर्स्ट एडिशन था जो कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स फर्स्ट था वो लास्ट ईयर रिलीज़ किया गया था। ये नीति आयोग ने रिलीज़ किया है, तो लास्ट ईयर भी नीति आयोग ने ही रिलीज़ किया था, तो इस बार भी नीति आयोग ने ही रिलीज़ किया है। कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स है वो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, किसने रिलीज किया है, कौन सी मिनिस्ट्री एसोसिएशन में है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। पहला, जैसे कि मैंने बताया कि जो कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स है नीति आयोग ने लास्ट ईयर रिलीज किया था 2018 में, और ये सेकंड एडिशन है। ये रिलीज किया गया है इन एसोसिएशन विद मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अगर क्वेश्चन बनेगा यहाँ से तो किस टाइप से पूछा जाएगा कि कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स है जो 2.0 वो कौन सी मिनिस्ट्री के एसोसिएशन में नीति आयोग ने रिलीज़ किया है, तो आंसर होगा इसका मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो इस तरह के पॉइंट हमें ध्यान से पढ़ने होते हैं। एक्चुअली रिपोर्ट आती है तो बहुत बड़ी लेंथी रिपोर्ट होती है, पर हमें पूरी रिपोर्ट कवर नहीं करनी होती है, उसके हाईलाइट्स उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही हमें कवर होने करने होते हैं। जो फर्स्ट एडिशन था 2018 में रिलीज़ किया गया था उसमें 24 स्टेट्स को कवर किया गया था, इस बार 25 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज़ को भी कवर किया गया है। दिल्ली एंड पुदुचेरी 2 यूनियन टेरिटरी है, तो ये पूछा जा सकता है कि कितने नंबर ऑफ स्टेट्स कवर किए गए हैं और यूनियन टेरिटरी है वो कौन कौन सी कवर की गई है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये हमने सिर्फ अपने स्टडी मटेरियल की खास बात हमारे की यह है कि हम स्पेसिफिक कंटेंट ही प्रोवाइड करा रहे हैं और उसमें से कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं वो हम हाईलाइट करते हैं। जो कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स है इंडिया में फर्स्ट कंप्रिहेंसिव कलेक्शन ऑफ कंट्री वाइड वाटर डाटा है बेस्ड ऑन इन डेप्थ स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर फॉलोड बाय फोकस ग्रुप डिस्कशन टू जनरेट क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इस रिपोर्ट का, टू एस्टैब्लिश ए क्लियर बेसलाइन एंड बेंचमार्क फॉर स्टेट लेवल परफॉर्मेंस ऑन की वाटर इंडिकेटर्स, टू अनकवर एंड एक्सप्लेन हाउ स्टेट्स हैव प्रोग्रेस्ड ऑन वाटर इश्यूज ओवर टाइम इंक्लूडिंग आइडेंटिफाइंग हाई परफॉर्मेंस एंड अंडर परफॉर्मेंस, आइडेंटिफाई एरियाज फॉर डीपर एंगेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट ऑन द पार्ट ऑफ द स्टेट्स। तो जो इंडेक्स प्रिपेयर किया गया है बोथ इन सेंट्रल एंड स्टेट सोर्सेज यूज किए गए हैं इसमें, और इसमें 3 साल का डेटा लिया गया है। जो बेस ईयर इसमें कंसिडर किया गया है वो 15-16 है, फाइनेंशियल ईयर 16-17 का भी डेटा लिया गया इंडेक्स को प्रिपेयर करने के लिए, और करंट जो रेफरेंस ईयर है जिसके लिए डेटा निकाला गया है वो 17-18 है। और डाटा फॉर जो सेवरल इंडिकेटर्स हैं इस इंडेक्स के अंदर वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से इंडिकेटर हैं, उसके लिए 25 स्टेट्स और 2 यूटीज जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनका डेटा लिया गया है। जो ये डेटा कलेक्ट करके इंडेक्स को ड्राइव किया गया था ये नीति आयोग ने किया है, और ये उसके बाद जो वेरीफाई किया गया एक इंडिपेंडेंट वैलिडेशन एजेंसी जो अपॉइंट की गई थी IPE ग्लोबल ने ये डेटा वेरीफाई किया था।
अगर हम बात करें बैकग्राउंड क्या था कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स जनरेट करने के लिए, नीति आयोग ने क्यों स्टार्ट किया था, इनिशिएशन लिया गया इस फील्ड में, तो उसकी बात करें तो हम इंडिया जो है वो 17% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर, बट लेकिन जो वाटर फ्रेश वाटर रिसोर्सेज है वो सिर्फ 4% है। 60% ऑफ द पॉपुलेशन है इंडिया की वो गंगा रिवर बेसिन में रहती है, जिसमें विच जनरेट्स नियरली 40% ऑफ द कंट्रीज जीडीपी। अगर जो वाटर क्राइसिस आने वाला है टाइम आने इन फ्यूचर में, तो वाटर रिसोर्सेज है वो कम होते जा रहे हैं, डिक्रीज होते जा रहे हैं, तो जो नेक्स्ट 30 ईयर्स में ग्राउंड वाटर कंट्रीब्यूशन टू द रिवर विल कंटिन्यू डिक्रीजिंग कंसिक्यूटली बाय 2050, जो 2050 तक 1/5 ऑफ द 500 मिलियन इनहैबिटेंट्स ऑफ द गंगा बेसिन वुड नॉट हैव एडिकेट एक्सेस टू कार्बोहाइड्रेट बेस्ड फूड एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। जो एनुअल यूटिलाइजेबल वाटर रिसोर्स इन द कंट्री है वो है 690 बिलियन क्यूबिक मीटर फ्रॉम सरफेस सोर्सेज से है, और जो ग्राउंड वाटर सोर्सेज से है वो 447 बिलियन क्यूबिक मीटर्स हैं। तो और अकॉर्डिंग टू सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर इज नियरली 62% इन इरीगेशन, 85% इन रूरल वाटर सप्लाई एंड 45% इन अर्बन वाटर सप्लाई। तो ये पूछा जा सकता है कि जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है उसके अकॉर्डिंग जो ग्राउंड वाटर है उसका कंट्रीब्यूशन इरीगेशन में कितना होता है, रूरल वाटर सप्लाई में कितना है और अर्बन वाटर सप्लाई में कितना है, तो ये पूछा जा सकता है। तो इसमें हम 62% है वो इरीगेशन में है, 85% इन रूरल वाटर सप्लाई एंड 45% इन अर्बन वाटर सप्लाई। Approximately 820 million people of India live in 12 river basins across the country, or having per capita water availability close to or lower than 1000 meter cube. और जिसमें से 82% of rural household in India don't have individual piped water supply, and 163 million live without access to clean water close to their homes. तो ये important data है, काफ़ी पूछा जा सकता है कि how many percentage of rural household in India don't have individual piped water supply, that is the answer 82% and 163 million live without access to clean water close to their homes. Jo per capita water availability thi jo 2001 mein 1816 cubic meter thi wo decline hoke 1544 ho gayi hai 2011 mein. India ka jo 70% of India's surface water is contaminated, और वाटर स्ट्रेस के चलते जो 2025 तक है जो पर कैपिटल अवेलेबिलिटी है वो रिड्यूस होकर 1341 मीटर क्यूब हो जाएगी, और 2050 तक एक्सपेक्ट किया गया है कि ये और फर्दर रिड्यूस होकर 1140 मीटर क्यूब हो जाएगी, और इस वाटर क्राइसिस के चलते 6% ऑफ द जीडीपी विल बी लॉस्ट बाय 2050। 20 lakhs crore in investment are required to bridge the expected water supply gap by 2030. India ranks third largest exporter of the groundwater through virtual water trade, while 52% of its wells are facing decline. मतलब जो वेल से पानी निकाला जा रहा है उसके अंदर 52% decline हो गया है। Objective and scope of the index की बात करेंगे हम, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जब भी मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो किसी इंडेक्स के बारे में तो उसके इंडिकेटर्स के बारे में ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम आरबीआई ग्रेड बी फेज टू की बात करें तो द इंडेक्स कंप्राइजेज ऑफ 9 थीम्स हैं, जिसमें फर्स्ट है सोर्स ऑगमेंटेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ वाटर बॉडीज, सोर्स ऑगमेंटेशन ग्राउंड वाटर, मेजर एंड मीडियम इरीगेशन, वाटर स्टेट डेवलपमेंट, पार्टिसिपेटरी इरीगेशन प्रैक्टिसेस, सस्टेनेबल ऑन फॉर्म वाटर यूज प्रैक्टिस, रूरल ड्रिंकिंग वाटर, अर्बन वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, पॉलिसी एंड गवर्नेंस। इनका वेटेज दिया गया है अलग अलग से, तो ये जो थीम है 9 थीम्स है वो फर्दर 28 इंडिकेटर्स में डिवाइड की गई है। इस जो एडिशन 2.0 है जो कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स है इसकी बात करें तो हम इसमें 2 न्यू KPI की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैव बीन एडिड टू द KPI 20, जो 20 नंबर इंडिकेटर है उसके अंदर 2 नए KPI ऐड किए गए थे, तो ये हाईलाइट है इस बार के पिछले कंपोजिट वाटर इंडेक्स की कंपैरिजन। अब कैटेगराइजेशन ऑफ स्टेट
इस इंडेक्स को रिलीज करने के लिए इस जो स्टेट्स थे उनको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट था नॉन हिमालयन स्टेट्स, सेकंड था नॉर्दर्न नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट्स, थर्ड था यूनियन टेरिटरीज। जो नॉर्थ नॉन हिमालयन स्टेट्स हैं वो ये सब हैं, जिसमें वेस्ट बंगाल ने अभी डेटा प्रोवाइड नहीं किया था, और नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट्स में जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर एंड मिजोरम ने डेटा नहीं प्रोवाइड किया था। यूटीज में सिर्फ दिल्ली एंड पुडुचेरी का डेटा प्रोवाइड किया गया था। जो बोल्ड में स्टेट्स मेंशन किए गए हैं, द स्टेट्स इन बोल्ड फंड्स हैव नॉट प्रोवाइडेड डेटा फॉर द इंडेक्स। स्कोप ऑफ दिस रिपोर्ट, दिस रिपोर्ट बिल्ड्स ऑन द अबव मेंशन डेटा कलेक्शन, प्रोवाइड द रिजल्ट्स ऑफ द सी डब्ल्यू एम एट द मल्टीपल लेवल्स। फर्स्ट वन है ओवरऑल कंपेरेटिव एनालिसिस अक्रॉस स्टेट्स, सेकेंड था थीमेटिक एनालिसिस फॉर ईच ऑफ द नाइन थीम्स, इंडिकेटर लेवल एनालिसिस, सेलेक्ट केस स्टडीज ऑन बेस्ट प्रैक्टिस फॉर वाटर मैनेजमेंट अक्रॉस द स्टेट्स। अब हम डिस्कस करेंगे जो कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स है उसकी की फाइंडिंग्स क्या थी। 80% ऑफ द स्टेट्स, जो 24 स्टेट्स थे इनिशियली, तो 24 को ही इसने अभी कंपेयर किया है कि जो 80% ऑफ द स्टेट्स हैं वो हैव शोन इम्प्रूवमेंट इन देयर वाटर मैनेजमेंट स्कोर्स ओवर द लास्ट 3 ईयर्स। 13 नॉन हिमालयन एंड 6 नॉर्दर्न ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट्स इम्प्रूव देयर वाटर मैनेजमेंट स्कोर्स बिटवीन 15, 16 to 17, 18। जो 19 स्टेट है वो जिसमें से 13 नॉन हिमालयन स्टेट्स हैं, 6 नॉर्दर्न ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट्स हैं जिन्होंने अपना स्कोर को इम्प्रूव किया है। 10 स्टेट्स क्रॉस दीज कैटेगरी शोड इम्प्रूवमेंट ग्रेटर देन 5 पॉइंट्स। द एवरेज चेंज इन स्कोर अक्रॉस स्टेट्स वाज प्लस 0.2 पॉइंट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। अगर इस पीरियड की बात करें तो जो 10 स्टेट्स थे उन्होंने इम्प्रूवमेंट है ग्रेटर देन 5 पॉइंट्स। इन 19 स्टेट्स में से ही 10 स्टेट्स ऐसे हैं जिनका इम्प्रूवमेंट ग्रेटर देन 5 पॉइंट्स था। अगर मैक्सिमम इंक्रीमेंटल चेंज के इंडेक्स की बात करें तो हरियाणा रिपोर्टेड द मैक्सिमम प्रोग्रेस ऑफ 26 पॉइंट्स क्रॉस 3 ईयर्स, ड्रिवन इन लार्ज पार्ट बाई हायर स्कोर ऑन 4 थीम्स। जो ये 4 थीम्स हैं जिन पे उन्होंने सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की है, उसकी वजह से इनका स्कोर काफ़ी, हरियाणा का स्कोर है काफ़ी इम्प्रूव हुआ है 26 पॉइंट से, जो लार्जेस्ट है मैक्सिमम। तो रिस्टोरेशन ऑफ वाटर बॉडीज, वाटर शेड डेवलपमेंट ऑन फार्म वाटर यूज एंड पॉलिसी एंड गवर्नेंस। गोवा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड आसाम आर द 4 more states डिस्प्लेइंग इम्प्रूवमेंट ग्रेटर देन 10 पॉइंट्स ड्यूरिंग द 3 ईयर पीरियड। अगर इन 3 साल की बात करें तो गोवा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड आसाम जो 4 ऐसे स्टेट है जिन्होंने 10 से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया हरियाणा के अलावा, ठीक है। अगर बात करें सबसे ज़्यादा डिक्लाइन की तो उड़ीसा रिपोर्टेड द लार्जेस्ट डिक्लाइन ऑफ 7.2 पॉइंट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड, फॉलोड बाय त्रिपुरा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो इसमें ये पूछा जा सकता है जैसे कि इंडेक्स में कि लास्ट 3 ईयर्स में जो सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंटल चेंज है वो किस स्टेट ने किया है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्रोग्रेस किस स्टेट ने की है, तो हरियाणा ने की है। ये पूछा जा सकता है कि जैसे हरियाणा के अलावा ऐसे कौन से 4 स्टेट्स हैं जिन्होंने 10 पॉइंट से ज़्यादा प्रोग्रेस की है, इम्प्रूवमेंट दिखाया है इस इंडेक्स पे। गोवा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड असम। लार्जेस्ट डिक्लाइन पूछा जा सकता है कि लार्जेस्ट डिक्लाइन किस स्टेट ने किया है, तो उड़ीसा रिपोर्टेड द लार्जेस्ट डिक्लाइन ऑफ 7.27 पॉइंट्स। अगर हम टॉप की बात करें तो गुजरात रिटेन द टॉप पोजिशन फॉर द 3rd कंजिक्यूटिव ईयर विद 75 पॉइंट्स, इन क्लोजली फॉलोड बाई आंध्र प्रदेश विद 74 पॉइंट्स। यूटीज में बात करें तो दिल्ली एंड पुदुचेरी था, तो पुदुचेरी टॉप इन यूटीज। अगर नॉर्थ एंड ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट्स की बात करें तो हिमाचल प्रदेश रिगेन्ड इट्स टॉप स्पॉट अमंग नॉर्थ एंड ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट्स विद 67 पॉइंट आफ्टर स्लिपिंग टू द 2nd पोजिशन इन फाइनेंशियल ईयर 16-17। अगर लोवेस्ट रैंक की बात करें तो झारखंड हैज़ लोवेस्ट रैंक अमंग द नॉन हिमालयन स्टेट्स एंड अरुणाचल प्रदेश हैज़ द लोवेस्ट अमंग द नॉर्थन ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट्स। 16 out of 27, मतलब 25 स्टेट्स प्लस 2 UTs टोटल को मिला के अगर 16 स्टेट स्टिल स्कोर लेस देन 50 पॉइंट्स ऑन द इंडेक्स आउट ऑफ 100 एंड फॉल इन द लो परफॉर्मिंग कैटेगरी। दीज स्टेट्स कोलेक्टिवली अकाउंट फॉर द 48% ऑफ द पॉपुलेशन, 40% ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड 35% ऑफ द इकोनॉमिक आउटपुट ऑफ इंडिया। यही इस इंडेक्स के मेजर पॉइंट्स से जो की फाइंडिंग्स थी, हमने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम के हिसाब से जो पूछे जा सकते हैं RBI ग्रेड बी के फेज 2 में और SEBI ग्रेड A के इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशू वाले पेपर में, तो वो हमने कवर किए हैं इस रिपोर्ट में। रिपोर्ट काफ़ी बड़ी होती है तो
ज़्यादा मतलब रिपोर्ट डिटेल में पढ़ना बेनिफिशियल नहीं है, तो जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं वो इस रिपोर्ट में हमने कवर किए हैं। हमारे कंटेंट की जो हमारा स्टडी मटेरियल है, हम सबसे स्पेसिफिक कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, और सबसे खास बात के मोस्ट इकोनॉमिकल प्राइसेस पे है, परफॉर्मेंस भी हमारा सबसे बेस्ट रहा है। अगर हम रिसेंट की ही बात करें तो नाबार्ड में 70-80% क्वेश्चंस जो डायरेक्टली हमारे स्टडी मटेरियल से कवर हो रहे थे, उसका प्रूफ हमने अपने टेलीग्राम चैनल्स, फेसबुक और यूट्यूब पर भी शेयर किया था। आप अगर हमारा स्टडी मटेरियल सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो 30% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं, कूपन कोड FLAT30 है। कोई भी क्यूरीज है, आप कोई भी गाइडेंस चाहते हैं, RBI ग्रेड बी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, सेबी ग्रेड ए के लिए, नाबार्ड के लिए, IRDA के लिए, तो हमें कॉल कर सकते हैं, मेल लिख सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज को ज्वाइन कर सकते हैं रेगुलर अपडेट्स के लिए, और बहुत सारा कंटेंट हम फ्री में शेयर करते रहते हैं। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।